दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुपर फोर राउंड में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने की होश उड़ा देने वाली भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मैच की प्रतिक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर दी और भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसी टीम को जीत का प्रबल दावेदार बता दिया है जिसका नाम सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर सुपर फोर राउंड में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भविष्यवाणी करते हुए क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान में किस टीम की गेंदबाजी सबसे बेहतर है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ग्रुप स्टेज एशिया कप के अंदर समाप्त हो चुका है, जिसके बाद अब सुपर फोर का दौर शुरू हो चुका है। इस दौरान सुपर फोर के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच में शानदार शुरुआत देखने को मिली, लेकिन भारतीय टीम को अपना पहला मैच अपनी सबसे बड़ी दुश्मन टीम पाकिस्तान के खिलाफ 10 सितंबर को खेलना है, जो कि श्रीलंका के कोलंबो में स्थित प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मैच के लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, और ऐसे में इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर भविष्यवाणी कर सभी के होश उड़ा दिए, जिसमें शेन वाटसन ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब सुपर फोर राउंड में जो मैच होने वाला है उसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को फिलहाल पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए काफी मेहनत की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तक मैच नहीं हो जाता तब तक कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीत दर्ज कर पाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान इस बार जीत दर्ज करेगा। तो वहीं एरॉन फिंच ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच सबसे रोमांचक के तौर पर खेला जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार के मैच में पाकिस्तान की टीम को जीत मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम को फिलहाल कमजोर समझना बेहद गलत है, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में भारतीय टीम को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम फिलहाल बाकी टीमों के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है। वहीं रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में इस बार रोमांच की सारी हदें पार हो जाएंगी। हालांकि पिछले बार भी मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज में खेला जा रहा था, लेकिन बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया, और ऐसे में मुझे लगता है कि इस बार भारत और पाकिस्तान का मैच पूरा होगा, भारतीय टीम जीत हासिल करेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के अंदर वो काबिलियत है जो शायद दुनिया के किसी भी टीम के अंदर नहीं है, क्योंकि वो मजबूत दिखने वाली टीम को हमेशा हारने के लिए तैयार रहते हैं, और ऐसे में इस बार तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मेरे अनुसार जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में भारतीय टीम को जीत मिल पाएगी या नहीं, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।